नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मुनिवेदिता दर्शबंधु आगरु कम थिला रोग संख्या और कम थिला रोगी संख्या हेले एबे रोग बढ़ुछि आ एहारे पधरे रोगी संख्या भी बढ़ुछि खाली सेति कि नुहे ए लिस्ट रे नुआ नुआ रोगर ना मध्य जोड़ी हेउछि तेणु जेकोसी रोग सम्बन्धे जाणी बुझि सेति प्रति सचेतन हेबा मध्य निहाती जरूरी और आपणको जेकोसी रोग सम्बन्धे सचेतन कराइबा पई आमर ए स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शबंधु सब वयस व्यक्ति देखा मिलूँ थायरएड रोग पुरुषों अपेक्षा महिला रोग अधिक देखा मिलता है छोट पा थायरएड रोग हेल्ला विकास उपर प्रभाव पकाए तेज यार लक्षण जाणी सिना चिकित्सा करवा तेणु आसतु जाणीबा थायरएड रोग प्रकार लक्षण ए चिकित्सा विषय आसबु विषय आलोचनापी आम सहित खुब शीघ्र डक्टर जोड़े आज आम सह अच्छा एंड्रोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर रितेश अग्रवाल खुब शीघ्र डक्टरों सहित जोड़े और आलोचना प्रकृत में थायरएड रोग लक्षण कौन एवं प्रकृत में थायरएड रोग के प्रभाव पकाई थाए तेज आम सहित डाक्टर जोड़े सारे डॉक्टर रितेश अग्रवाल आम सहित जोड़े सारी डॉक्टर अग्रवाल आपको प्रेस्क्रिप्शन को स्वागत करेंगे डॉक्टर अग्रवाल जानवा को चाहिए प्रथमतः जे थायरॉइड रोग वास्तविक कौन नॉर्मली थायरॉइड गोटे ग्रंथि जोटा कि आम बेकर सामना पोर्शन रे थाए एवं ए रोग दि प्रकार रही था गोटे हाइपोथायरॉइड गोटे हाइपर थायरॉइड जो थे कि थायरॉइड हार्मोन रो क्षरण कमी जाय थाए आमे ताकु हाइपोथायरॉइड बोली कहि थाउ आ जो थे कि थायरॉइड हार्मोन बेसी सिक्रेशन होय थाए आमे ताकु हाइपरथायरॉइड बोली कहि थाउ ओके तबे डॉक्टर अग्रवाल आ एया मध्ये जानबा को चाहिबो विशेष करी थायरॉइड केते प्रकार अपन जेमती कहथले दुई प्रकार रहै थाए आ विशेष करी या भीतर कोटे अधिक क्षतिकारक होय थाए जदी जडो को थायरॉइड हेउची बेसी कोन प्रभाव पकाय थाए विशेष करी केउटा अधिक मारात्मक कह जाय पारे मारात्मक सेमिति थायरॉइड रोगटा बहुत चिकित्सा बहुल तो आमे ताको आराम से डायग्नोस करिकि चिकित्सा करि पारिबा किंतु आमे जदि देखिबा आम सोसाइटी रे हाइपोथायरॉइड रोगी संख्या बहुत बेसी हाइपोथायरॉइड जो थे कि थायरॉइड हार्मोन रो सिक्रेशन टा कम हे थाए एही रोगी माने मोस्टली फीमेल हे थांती जो मानकर वयस सीमा नॉर्मली 35 वर्ष भीतर बेसी आ जाय थाए एही रोग रे से मानकर पाद फुलिबा ऋतुस्राव रे डिफिकल्टीज हेबा वेट गेन हेबा हार्ट रेट कम ई सब लक्षण हेतै एवं गोटे सामान्य थायरॉइड मेडिसिन जेटा कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमाक रे खुआ जैतै आमे ताकु खाइ के एई रोगटु आमे निवारण पाई परिबा किंतु हाइपरथायरॉइड बोली मु जोंटा कहि छी जोंथिरे कि थायरॉइड हार्मोन्स रो क्षरण हेतै से बेसी व्ययबहुल चिकित्सा दरकार करथै एवं हाइपर हाइपोथायरॉइड अपेक्षा हाइपरथायरॉइड टिके बेसी डेंजरस डिजीज बोली कहिबी हार्ट ऊपर प्रभाव बेसी पड़ी थाए बोन ऊपर प्रभाव बेसी पड़ी थाए बहुत वेट लॉस हे थाए तो एई जदि हाइपोथायरॉइड आ हाइपरथायरॉइड भितरे हाइपरथायरॉइड टा टिके बेसी डेंजरस ओके हाइपरथायरॉइड बेसी विपदजनक जेमती आपण कहउथले तबे डॉक्टर या मध्ये जानबा को चाहिबा जे विशेष करी थायरॉइड रो कोन सब लक्षण रहिथा आमे जानि छथि जे कोनो से रोग कथा जदि आपण देखिबे सबुतरे किसना किछ लक्षण रहिथा ताकि आमे जानबा को सहज होइथाय जे आमे से रोग द्वारा संक्रमित किबा आमको से रोग होइ छि तबे जानबा को मध्ये चाहिबु जे वास्तविक थायरॉइड रोग रो कोन सब लक्षण रहिथाय आज्ञा जेमती मु कहली आमे सोसाइटी रे हाइपोथायरॉइड सबुतु बहुत कॉमन तो मु आगो हाइपोथायरॉइड को आसीबी एहा एवं वयस ऊपर डिपेंड करे जदि हमर फर्स्ट 3 वर्ष रो गुटे शिशु को हाइपोथायरॉइड बोली हमें डायग्नोस करिबा ताहेले सेमानकर हाइट ग्रोथ एवं डिले माइलस्टोन जेमिति कि तांकर बसीबा चालीबा छिडा हेबा एवं तांकर हाइट ग्रोथ रे बहुत मात्रा रे जदि असुविधा देखा जाय हमें सेही एज ग्रुप रे थायरॉइड टेस्ट को फर्स्ट करिबा सेकेंड हेला आमर प्यूबर्टल पीरियड जेमिति कि आमर 10 वर्ष रु 18 वर्ष भितर सेइतिरे आमर मासिकिया जदि डिले होउची किंबा प्यूबर्टी आसीबारे डिले होउची किंबा आमर जदि सेतेबेले फैमिली हिस्ट्री रहउची जो मानकर बापा मा भाई भौणी फास्टिक रिलेटिव कर थायरॉइड प्रॉब्लम अछि किंबा जदि बेकर पटे स्वेलिंग जहाँ को आमे गलगुंड बा गॉइटर बोली भी कहि थाउ सेइटा जदि देखा जाय आमे तांकर थायरॉइड टेस्ट करिबा तापर 18 वर्ष रु ऊर्ध्व जेमती जदि आमर इनफर्टिलिटी रहउची
ଇରେଗୁଲାର ମିନ୍ସଟ୍ରାଲ ସାଇକେଲ ରହୁଛି, ଯଦି ଆମର ୱେଟ ଗେନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଥକା ଲାଗୁଛି, ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଯେମିତି ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଏକଦମ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କେସ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ଆମର ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗର ଟେଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଥାଇରଏଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଆସିବା, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଯଦି ବୋନ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଥାଇରଏଡ଼ର ହରମୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଦରକାର। ଏଟା ହେଲା ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ର ଲକ୍ଷଣ। ହାଇପର ଥାଇରଏଡ଼ ପୁରା ଓଲ୍ଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବହୁତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଥାଏ, ଗଲଗଣ୍ଡ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ୍ର ହେଇଥାଏ, ହାତ ଥରିବା, ବହୁତ ଭୋକ ହେବା, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବହୁତ ହେବା, ବହୁତ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ହେଇକି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରିବା, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାଇପର ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗୀ ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାକୁ ଏହି ରୋଗ ଥିବ ତେବେ ହୁଏତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଜଣଙ୍କୁ ହେବାର, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଡକ୍ଟର ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ କି ଥାଇରଏଡ଼ର, ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ କି ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏ ରୋଗ? ନିହାତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଥାଇରଏଡ଼ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ ନର୍ମାଲି 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗୀ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ କହିଲି, ଯଦି କାହାର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁନି କିମ୍ବା କାହାର ବେକରେ ଯଦି ସ୍ୱେଲିଂ ଅଛି କିମ୍ବା କାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ରେ ବି ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ ବାହାରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇରଏଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଶୀ 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗୀ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଡକ୍ଟର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବିଶେଷ କରି ସେମିତି କିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ଥାଇରଏଡ଼, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କାହିଁକି ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗଟି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବଂ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ ଯେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏଭରେଜ୍ ନେବି, ଆମେ 100ଟା ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗୀ ଦେଖିଥାଉ, 90ରୁ 95ଟା ସେଟା ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ 5 ଜଣରୁ 10 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ ହରମୋନ୍ ଥାଏ, ସେଇ ହରମୋନ୍ଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ନର୍ମାଲି ଆମର ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଟିକେ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମର ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ କେସେସ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିମେଲ୍ ହରମୋନ୍ ତାଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ଟାକୁ କମେଇକି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ର ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଦେଖାଦେଉଛି, ଇଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଥାଇରଏଡ଼ ଥିବ ତେବେ କେତେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏହା ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଉପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏବଂ କମିଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଫିମେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଫିମେଲରେ ଆମର ଥାଇରଏଡ଼ ରେଞ୍ଜ ବି ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ESH ଯୋଉଟାକି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାର ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ 0.5 to 4.5 ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଆମର ଟିକେ ଡିଫର ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ 12 ସପ୍ତାହ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜଟା 0.2 to 2.5 ରଖିଥାଉ ଆମେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା 3 ମାସରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜଟା 0.2 to 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରରେ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହେ। ତ ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆମେ ଟିକେ ହାଇୟର ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ହରମୋନ୍ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ରେ ଆମେ ମାଆକୁ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଇରଏଡ଼ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥାଏ କି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼ ଥାଏ,
ତାହେଲେ ଏବର୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ମସ୍ତିଷ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରପର ମାତ୍ରାରେ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ ଶିଶୁକୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି ଯେଉଁଟା କି ମସ୍ତିଷ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜାଣିପାରିବାନି ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି ସେଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ଖରାପ ଥାଏ। ଆଉ କେତେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଲି ଏବର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରି ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଦ ଫୁଲିବା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବା, ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନଦେଖା କରିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହିସବୁ ରୋଗର ମା ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ओके तेबे डॉक्टर अग्रवाल ये नियांती भाव आप गोटे भल कथा कहले नियांती जो मैंने आमको देखुए दर्शक मैंने उत्तर पाई सारी केमती से सचेतन हे जो मैंने विशेषकर जो मैंने गर्भवती अच्छा जो थायरॉइड रही केमती से सचेतन हे नियांती परामर्श काम आसो तेज डॉक्टर अग्रवाल आउ गोटे कथा जानवाक चाहिए आग को शीत दिन आसूँ विशेषकर शीत दिन थायरॉइड बेस किसी प्रभाव रही था कि जो थायरॉइड रोगी शीत दिन बेस यार ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କି କେମିତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ସାବଧାନ ରହିବେ ଶୀତ ଦିନେ ସେମାନେ। ନର୍ମାଲି ଋତୁ ହିସାବରେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗର ଏତେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନରେ ଥାଇରଏଡ୍ ବେଶୀ ହେବ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନରେ ଥାଇରଏଡ୍ କମ୍ ହେବ କି ବର୍ଷା ଦିନରେ କମ୍ ହେବ କି ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ ହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହେଇଥାଏ ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ, ଆମର ବଡି ମେଟାବଲିଜମ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଲେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଥାଇରଏଡ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆମର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେବ ଆମକୁ ବେଶୀ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁ ରହିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ପର୍ ଡେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିଏ କହୁଥିଲେ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ओके ज्ञानदी आम सब डॉक्टर अच्छा डॉक्टर अग्रवाल जमी से कहते कि 7-8 दिन है बैक साइड बेकर बैक साइड पेन हो ये गोटे लक्षण हो पारे कि थायरॉइड रो थायरॉइड रो बेकर बैक साइड रे नॉर्मली प्रॉब्लम हुए नी गोटे कंडीशन अछि जोंटि के हमरो सबएक्यूट थायरॉइडाइटिस बोली आमे कहि थाउ। सबएक्यूट थायरॉइडाइटिस रे ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ବେକର ସାମ୍ନା ପୋର୍ସନରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପେନ୍ କାନ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବେକର ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଥିରେ ଥାଇରଏଡ୍ଟା କାମ ଲାଷ୍ଟ ରଖିବା, ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ମସ୍କୁଲାର ଡିଜର୍ଡର ଯେମିତିକି ମସଲ ସ୍ପାଜମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାପରେ 3-4 ନମ୍ବର କେସ୍ରେ ଆମେ ଥାଇରଏଡ୍ଟାକୁ ରଖିପାରିବା। ओके डॉक्टर अग्रवाल या मध्य जानिबा को चाहिबो जे दैनंदिन जीवन रो जीवन शैली विशेष करी थायरॉइड उपरे सेमती किछ प्रभाव रहिथाय कि थायरॉइड सहित सेमती किछ लिंक रहिछि कि आमे जानिछंती विभिन्न रोग रे डाक्टर माने विशेष करी कोंती जे बाहर खाद्य कम करंतु बाहर खाइबा टिके कम करंतु तेडो थायरॉइड सहित दैनंदिन जीवन शैली किछ प्रभाव पकाई थाय कि हाइपरथायरॉइड रे आमे नॉर्मली पेशेंट मान को आयोडीन युक्त खाद्य खाइबा को मना करि थाउ। हाइपरथायरॉइड जों थरे थायरॉइड हार्मोन बेसी फाइल थाए, आयोडीन युक्त खाद्य जेमिति कि हमरो सी फूड गुडा कहला जोंटा हमरो समुद्र दु बाहरु छि लुनिया प्रॉन हला फिश सी फिश गुडा कहला सेटा माने तांको देह रे आयोडीन रो मात्रा बेसी थाए। सेकंड रे हमरो जेमिति आयोडीन लोशन गुडा कहला आमे जों भाप हा गुडा करे व्यवहार करू किबा ड्रेसिंग पाई व्यवहार करू से आयोडीन लोशन किबा हमरो जो सीटी एमआरआई कला बले जो कंट्रास्ट दिया जाए से आयोडीन कंट्रास्ट ताको हमे हाइपरथायरॉइड पेशेंट गुडा करे अवॉइड करबा को मनै थाउ। एवं नॉर्मली स्मोकिंग ता गुटे हाइपरथायरॉइड पेशेंट मान को पाई विष भलिया काम करे, तो स्मोकिंग को हमे नॉर्मली अवॉइड करबा को कहि थाउ। हाइपोथायरॉइड रे सेमते हाइपोथायरॉइड पाई हमर किछि सोशियली इनहिबिशन के डाइट नाही, बट यस आमर थायरॉइड मेडिसिन टा आमे निहाती गोटे एम्प्टी स्टोमाक रे खाइबा कथा,
जहाँ फल से आम देह को पशी पार तो आम नॉर्मली पेशेंट मान मिनिमम मेडिसिन खाइबार घंटे पर्यंत खाली पेट रहिबाकु उपदेश दे था एवं बहुत जगह देखा जाए था जे थायराइड मेडिसिन भी खाली पेट रे खुआ जाए एवं गैस मेडिसिन भी खाली पेट रे खुआ जाए तो किंतु दीटा जाक मेडिसिन आमे एका सहित खाइबा को पेशेंट मान को उपदेश देई न था मिनिमम घंटे गैप रखना निहाती दरकार अच्छा मिनिमम घंटे गैप रखिबा दरकार डॉक्टर अग्रवाल हम सता आउ जडे कलर मध्ये अछन ता को कॉल टी नै जिबा हेलो हेलो मैडम आज्ञा नमस्कार रुद्र कहू छी भुवनेश्वर कहू छी आज्ञा मैडम मोर जो सान को पई गोटे क्वेश्चन हैला मैडम मोर एज हैला 40 इयर्स मोर पाखा पाखी ओजन दा 90 टू 95 किलो रहउची अच्छा आ मु माने ऑनलाइन वीकली बेसिस माने 3-4 कि 4-4 मु जॉगिंग भी कर जॉगिंग पाखा पे 3-4 किलोमीटर करउची आ खाइबा भी मोर सेमिति भी बेसी किछ हाई खाए नै माने नॉर्मल टिके खाए बट स्टिल देन मोर ओजन त न कमुनी आ पेट रा सब फुल्ला फुल्ला रहउ ओके डॉक्टर अग्रवाल आपन सुनि परथले या सार मु भावुचे मेजर क्वेश्चन है से एक्सरसाइज डाइट कंट्रोल कला परे भी मोटा अछंती त या गुटे थायराइड पई हे थाई पारे कि मु भावुचे डायरेक्ट क्वेश्चन ता ए आ मु पई निश्चय मु कहिबा कु सर हाइपोथायराइड रे वेट गेन हे थाए किंतु वेट गेन हाइपोथायराइड रे एते बेसी न थाए कि जेमिते 5 केजी तक वेट लॉस हेपो हमर थायराइड हार्मोन आमे ट्रीटमेंट करले आउ निहाती मु कहिबा कु चाहिबी जे जो पेशेंट मान थायराइड वेट गेन सेटा मोस्टली पाद फुलिबा एवं धई सही लागिबा गुटे मोस्ट कॉमन कारण है कि वेट गेन हिता खाली वेट रे गेन आउ किछि असुविधा न थाय कि जदि वेट गेन होउछि सेटा थायराइड पई न हेथिवार संभावना बेसी तो एथिरे मु आपन को बतेबा को चाहिबि जे आपन डॉक्टर को कंसल्ट करंतु आपन को वेट गेन रो कारण खोजिबा पई जेटा थायराइड पई हेछि कि हमर दरकार कि आम थायराइड छोट पे कौन सब प्रभाव पकड़ निर्दिष्ट एज ग्रुप ना तथा देखी 15-35 देखा मिलती तबे डॉक्टर अग्रवाल एया मते जानिबा को चाहिबु विशेष करी छोटो पिलां को परे यार कोन सब प्रभाव रहि थाय ओई पूर्वरु भी छोटो पिलां को मथे रे थायराइड केस ले नॉर्मली हम जानिबा टिके प्रॉब्लम हि थाय बट हमर स्पेशली जदी हमर थ्री प्रकार कंजेनिटल हाइपोथायराइड प्रॉब्लम थाय जोंथरे की हमर छुआ रो जीभ बडो थाय तांकर अम्बिलिकल हार्निया थाय पेट फंपे की रही थाए कांदिला बेले गोटे हुईसिल भलिया साउंड आसे ये सब लक्षण जदि थिले तांकर निहाती थायराइड हार्मोन चिकित्सा करबा कथा सेकंड जदि ता परे जदि छुआर हाइट बढ़ुनी किंबा छुआर सब माइलस्टोन गुड़ाक डिले रहुची बसिबा चालिबा कहिबा छिड़ा हेबा ताहेले भी हमर थायराइड हार्मोन चिकित्सा द्वारा सेमानकु आमे प्रॉपर हाइट देई पारि समय बहुत कम रही है कलर जोड़े हेलो नमस्कार सर मैडम सर विनोद बिहारी कौर कहते विनोद बाबू कौन दुकान प्रश्न रही सर देख मोर थायराइड प्रॉब्लम वेट लॉस मैं वेट 62 थिला 58 ओके अपन को थायराइड रही छि विनोद बाबू या थायराइड इसी भी नो पर वेट लॉस हो छि ओके ठीक है बहुत जंत्रणा हो छि सर ओके ठीक अछि हम से तो डॉक्टर अछंती डॉक्टर अग्रवाल अपन सुनी पड़थिले हां सर 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 क्वेश्चन उल्टा वेट लॉस हो छि तांकर तो निहाती मु या अगरु भी कहली हमर हाइपोथायराइड रे वेट गेन ही थाए एवं हाइपरथायराइड जो थरे कि थायराइड हार्मोन बेसी सिखन क्षरण हुए सेइतिरे वेट लॉस हुए आपण बहुत खाइले भी आपणकर वेट लॉस हेबो हाथ थरिबो बहुत झाल बाहर छाती धड़ धड़ कर आखि दीटा बहुत जगह देखा जाए आखि दीटा बाहर को बाहरी जाए तो ये सब जो लक्षण अच्छे निहाती आप गोटे थायराइड हार्मोन रेकअप करने कथ डॉक्टर परामर्श नहीं आपर चिकित्सा कराइबा कथा
ओके निहांती भावरे आशा करछे जो कलर कॉल करथले ताको उत्तर पाइथबे। डॉक्टर अग्रवाल शेष प्रश्न रहइबो जेतु समय हम पाखरे कम रहिछे शेष प्रश्न इया रहइबो जे प्रकृतरे थायराइड को कोन मूलपोच करा जाय परिबोनि एको संपूर्ण रूपे भलो होबोनि केवल मेडिसिन द्वारा ही आकु भलो करा जाय परिबो। बहुत भलो क्वेश्चन एवं मु मो व्यूअर्स मानन को कहिबा को चाहिबी आपण फर्स्ट हाइपरथायराइड को आमे चिकित्सा करी संपूर्ण रूपरे क्योर करि परिबा किंतु हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड रो कारण उपरे डिपेंड करे कि कोन पई हाइपोथायराइड हिची जति एटा जेनेटिक जोंथरे कि हमरो पापा मा भाई भौनी समस्तंक अछि ताहेले हमरो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ही गोटे उपाय आमे याकु संपूर्ण रूपे ठीक करि पारिबानि। जदि कोनोसी कारण रो थायराइड हिची जेमति किछि मेडिसिन खाइ कि हिची किंबा आउ किछि रेडिएशन पई हिची कि आउ कोनोसी अन्य कारण रो जदि थायराइड रोग हिची आमे सेही कारण को बंद कर देबा ताले थायराइड टा हमरो नॉर्मल हिज को निश्चय हाइपरथायराइड आमे संपूर्ण रूपे ठीक करि परिबा। हाइपोथायराइड तार कारण न देखि कि आमे किछि टाकु ठीक करि परिबा आ कोन किछि कारण पई आमे तांकु जीवन सारा थायराइड रिप्लेसमेंट देबा को निश्चय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपण हम सहित जोडिएले एवं आशा करू छी जो कलर कॉल करले तांको उत्तर से निश्चय पाई सारथिबे। जो दर्शक हमको देखुतले से माने मते थायराइड को नै जो प्रश्न तांको मन रे रहिछि तार उत्तर मध्य पाई सारछि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपण जोडिएले आप सहित। तबे समय तो सरी आसला कार्यक्रम को एट सारे पड़ो तेज पुणे देखा आगामी एपिसोड में पुणी जड़े अभिज्ञ डाक्तर सह से पर्यटन मत विदा दिंतु रोची नमस्कार।